डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी की। यदि आप बीए फर्स्ट ईयर के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम इंग्लिश पोएट्री और परीक्षा ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय होने वाली है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चलिए आते हैं आप क्वेश्चन पर। आज किस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि हाउ मैनी, ध्यान से सुनेंगे कि हाउ मैनी लाइन्स आर दियर इन स्पेंसरियन स्टंजा। एक मतलब कि छंद है, ठीक है, जो कि एक लेसन का, एक पाठ का एक छंद है स्पेंसरियन, उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो लाइन है उनकी काउंटिंग है, मतलब की संख्या है, वो है 9। डी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच वर्क वाज स्पेंसरियन स्टंजा क्रिएटेड बाय स्पेंसर, मतलब कि आपको क्वेश्चन बताना है कि स्पेंसर द्वारा ये जो स्पेंसरियन स्टंजा है, छंद है, ये किस कार्य के लिए, किसके कार्य के लिए बनाया गया था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, फेरियो क्यून के द्वारा, यानी कि परी रानी के द्वारा, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि स्पेंसरियन स्टंजा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच फ्रॉम, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ओक्टवा रीमा, ठीक है, सही जवाब सी होगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन कि हु यूज्ड, ठीक है स्पेंसरियन स्टंजा आफ्टर स्पेंसर डेथ, यानी कि जो प्रमुख कवि हैं स्पेंसर, इनकी मृत्यु के बाद कौन इसको यूज किया है, यानी कि जो छंद है इसको। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब आप लोग को बताना है कमेंट में, अगर आपको मालूम जरूर बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैली ने, शैली भी प्रमुख राइटर है इंग्लिश के, सही जवाब सी होगा, शैली ने किया है। अगला है कि विच इज़ द नेम ऑफ 9 लाइन ऑफ, ठीक है, स्पेंसरियन स्टंजा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है, ठीक है, एलेक्जेंड्रीन सी नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है। अगला है कि हु लव्ड स्पेंसरियन स्टंजा मोस्ट, आंसर हो जाएगा पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज, बी नंबर सही जवाब होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द फाइनल लाइन इज स्टंजा हैज अ ब्रेक ऑन पॉज कॉल्ड, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैश्योरा बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कि हाउ मैनी फिट्स आर दियर इन एलेक्जेंड्रीन, तो राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, 6 फिट। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ दी राइमिंग स्कीम ऑफ, ठीक है, स्पेंसरियन स्टंजा, तो आपको बताना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए बी बी सी, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला कि हाउ मैनी लाइन्स डज आ स्पेंसरियन स्टंजा कॉन्सिस्ट ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा 9, कितनी है लाइन, 9 है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट यूज टेरिजा, ठीक है, टेरिजा रीमा, ठीक है, तो टेरिजा रीमा का सबसे पहले यूज किसने किया, कौन से राइटर ने, प्रमुख क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, तो उनका नाम है डांटे ने किया है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हु मैनी लाइन्स, ठीक है, हु मैनी लाइन्स आर दियर इन टेरिजा रीमा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, ए नंबर। अगला है कि व्हाट इज दी चैन, ठीक है, राइमा, ठीक है, राइम इन टेरिजा रीमा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी ए और बी सी बी सी डी सी डी ई डी, राइट आंसर सी होगा, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सी सेट राइम, ठीक है, राइथम ऑफ टेरिजा रीमा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे, सी नंबर, लैम्बिक पेंटामीटर, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि विच पोएट्स आफ्टर डानेट यूज टेरिजा रीमा, तो ध्यान रखेंगे उस राइटर का नाम है, ठीक है, पेट्रार्च एंड बेक, ठीक है, बोकासियो, ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, चलिए कमेंट से बताइए, ए नंबर, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, हम इंग्लिश के कोई स्पेशल टीचर नहीं है, ठीक है, तो हमारी इंग्लिश भी कोई कपिल शर्मा से कम नहीं है, ठीक है,
तो हम बहुत ही आपको क्लियर बात बता दे रहे हैं, क्योंकि साफ बात बताना बहुत ही क्लियर रहता है, क्योंकि इससे आप लोगों को धोखा नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो आपको समस्या होगी। हम इंग्लिश के स्पेशल टीचर नहीं हैं, हम बाकी अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं, हम उस चीज़ को पढ़ाते हैं जो इंग्लिश को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर कम से कम वीडियो बना दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए, तो मैंने सोचा चले वीडियो बना के आपको थोड़े बहुत हेल्प कर देते हैं। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा ये इंपॉर्टेंट जरूर साबित होंगे, भले ही हमारी जो इंग्लिश है कपिल शर्मा से कम नहीं है, मतलब कि थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला, तो आप लोग कोई मान लीजिए हमसे कोई जो वर्ड है बाय मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन करने में रॉन्ग हो जाता है, तो उसके लिए हम पहले आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ यूज टेरजा रीमा इन इंग्लिश, तो उस प्रमुख राइटर का नाम है, ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, चौसर। अगला क्वेश्चन है कि इन विच वर्क डिड डांटे फर्स्टली यूज टेरजा रीमा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, ए नंबर सही जवाब। अगला कि विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ टेरजा रीमा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि इन विच सेंचुरी डिड टेरजा रीमा बिगेन, तो ध्यान रखेंगे 13 सेंचुरी, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला कि हाउ मैनी स्लेबल लाइन वर टेरजा रीमा ओरिजिनली रिटर्न, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 स्लेबल, ठीक है, स्लेबल लाइन्स। अगला क्वेश्चन है कि एलेजियक मीटर कॉन्सिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ डॉट डॉट क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा हेक्सामीटर, ठीक है, एंड पैरा, ठीक है, पेंटामीटर, हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर भरा जाएगा, सी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज सोनेट नो, तो राइट आंसर इसका आपको बताना है, आंसर होगा बी नंबर 116 बी नंबर। अगला है कि इन हिज सोनेट लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू मैन शेक्सपियर्स एड्रेसेस इज फॉल्स फ्रेंड, राइट आंसर इज डब्ल्यू एच एल ऑफ साउथम्पटन, ठीक है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लव नॉट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इग्नोरी कर दें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो आएगा नहीं मेरी उम्मीद है, जहाँ तक इग्नोरी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कि विलियम शेक्सपियर वाज बर्न इन, मतलब विलियम जो शेक्सपियर हैं आपके लेसन में बी ए सेकेंड सेमेस्टर में ये प्रमुख राइटर हैं, तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है कहाँ पर, मतलब किस सन में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1564 में हुआ था, यानी कि 1564 में, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला कि जॉन शेक्सपियर वाज द फादर ऑफ, ठीक है, तो राइट आंसर इज ध्यान रखेंगे विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर सी नंबर राइट आंसर। अगला कि मैरी अर्डन वाज द मदर ऑफ, तो राइट आंसर इज शेक्सपियर, ठीक है, इन ऑप्शनों में से राइट आंसर बी होगा। अगला कि एने हैथवे इज द वाइफ ऑफ, राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर, राइट आंसर सी। अगला शेक्सपियर रोट डॉट 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 सोनेट इन, तो राइट आंसर इज हो जाएगा शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, राइट आंसर 154 ए नंबर राइट आंसर। अगला है कि हु इज कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट, राइट आंसर इज शेक्सपियर, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ एवन, तो राइट आंसर इज शेक्सपियर, राइट आंसर इज शेक्सपियर, ए नंबर राइट आंसर। अगला कि बेन जॉनसन रेफर्स स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इट्स फॉर, राइट आंसर इज डी विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको शेक्सपियर से जुड़े क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि शेक्सपियर का एक लेसन है पूरा का पूरा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो इसलिए राइट आंसर सभी विलियम शेक्सपियर हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे भैया इनके लेसन में, तो ये इस तरह आपकी परीक्षा में नहीं आएगा कि हर क्वेश्चन में एक ही राइट आंसर हो, ठीक है, तो इस तरह मत आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर उसके बाद आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द शेयर होल्डर इज द टू थिएटर्स द ग्लोबल एंड द ब्लैक फेरियर्स, राइट आंसर इज
सी विलियम शेक्सपियर, सी नंबर। अगला है कि वेनिस एंड एडोनिस एंड द रोप ऑफ लास्ट, ठीक है, लू सीरीज आर टू नरेटिव पोएम्स आर। राइट आंसर शेक्सपियर, राइट आंसर ए। अगला कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट आर दी वर्ड्स ऑफ वर्ड्स वर्थ, ठीक है, वर्ड्स वर्थ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर सोनेट आर लाइक टिक क्लस्टर्स ऑफ स्टारलाइट आर सेड बाई। राइट आंसर इज बीरोन, ठीक है, बायरोन नंबर राइट आंसर। अगला कि बेन जॉनसन सेड दैट ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम हु इज द पर्सन। तो राइट आंसर इज शेक्सपियर, सी नंबर। अगला कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक्स और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन अपन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर दीज आर स्पोकन बाई। तो देयर आर स्पोकन बोला गया है गोएथे के द्वारा, ठीक है, गोएथे के द्वारा। राइट आंसर इज डी। ओके, अगला है कि लोजियस एंड कैजमियन फाउंड इन हिज प्लेज अ ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी हिज टॉक अबाउट द प्ले और प्ले ऑफ शेक्सपियर। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इम्पॉर्टेंट उसकी ओर बढ़ेंगे कि टू हिज लव वाज रिटन अराउंड। तो राइट आंसर ध्यान रखेंगे 1599 ए नंबर राइट आंसर। अगला शेक्सपियर सोनेट वार पब्लिश्ड इन, तो ये प्रकाशित हुई थी 16, ठीक है, मतलब कि 1609 में, ठीक है, 69 में, ठीक है, 1609 में, ठीक है, 1609 में। अगला है कि शेक्सपियर सोनेट वार पब्लिश्ड बाई, तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी। राइट आंसर इज शेक्सपियर, एक मिनट, नहीं, शेक्सपियर सोनेट वार पब्लिश्ड बाई, तो इज राइट आंसर थॉमस थोरपे, सही जवाब सर, राइट आंसर ए। हैविंग 14 लाइन्स ऑफ आई एम बिग पेंटामीटर एंडिंग इन राइमेड कपल्ड फ्राम ऑफ दी सोनेट। राइट आंसर इज शेक्सपियर, मीन्स सी राइट आंसर। अगला है कि टू हिज लव इज रिटन बाई, तो टू हिज लव रिटन बाई 18, राइट आंसर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हिज सोनेट टू हिज लव शेक्सपियर एड्रेसेस हिज फॉल्स फ्रेंड, तो फॉल्स यानी गलत फ्रेंड्स इज डब्ल्यू एच एयरल ऑफ साउथ, ठीक है, साउथन पोर्टन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे द आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट आर दी लाइन्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इन हिज सोनेट हिज सेड दीज लाइन। तो हिज सेड दीज लाइन इज हिज टू हिज लव। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज डेड, मतलब कि शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी। तो राइट आंसर इज 16, ठीक है, 1616, ठीक है, राइट आंसर बी। अगला शेक्सपियर वाज बर्न एट, कहाँ पर इसका जन्म हुआ था, लेकिन तो इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टॉटफोर्ड अपॉन एवन में। राइट आंसर इज या सी। ओके, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें और भी क्वेश्चन है लेकिन समय की शॉर्टेज होने के कारण हम ज़्यादा आप लोगों को और क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है। बाकी हम आप लोगों के लिए प्रयास किए हैं कि ये 100 क्वेश्चन की पूरी पूरी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, ये आप सभी को देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जान लीजिए कि जॉन डोन वाज बर्न इन, ठीक है, 1572 यानी कि 1572 में इनका जन्म हुआ था। अगला कि जॉन डोन, ठीक है, वाज एडमिटेड टू लिकोन्स इन, तो ये एडमिट हुआ था 1592 में। राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहे हैं। बाकी अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, करीब करीब इस पीडीएफ में कुल मिला के 100 क्वेश्चन हैं, तो करीब करीब मैंने आपको 40 से 45 क्वेश्चन बताए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, इसको मैं आपको पीडीएफ कंप्लीट करके विथ आंसर सही, जैसे ये क्वेश्चन है ना,
तो इसके सामने आंसर नहीं है। तो मैं सॉल्वड पेपर पूरा का पूरा पीडीएफ बना के आप सभी को मैं देने वाला हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें ये बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश की एमसीक्यू टाइप की पीडीएफ चाहिए, जैसे आप बोलेंगे हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। अगर कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन करने में मतलब बोलने में गलत हो सकते हैं, उसके लिए सॉरी। जय हिंद।